तो हेलो दोस्तों, एशिया कप 2022 सूर्य कुमार ने दिखाई चमक, कोहली लौटे फॉर्म में पर रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। भारतीय जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने विकेट पर आते ही स्वीप से 2 चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 68 रन की पारी खेली। इसमें उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए। सूर्य कुमार के आने से पहले तक भारतीय रनों की रफ्तार पर हांगकांग के गेंदबाज किसी हद तक लगाम लगाने में सफल रहे थे। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री वाला खिलाड़ी माना जाता है। यह कहा जाता है कि क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में जिस बल्लेबाज के पास हर गेंद पर कम से कम 2 तरह के शॉट खेलने का विकल्प होते हैं, उनके गेंदबाज पर हावी रहने की ज्यादा संभावना रहती है। सूर्य कुमार इसी तरह के ही बल्लेबाज हैं और वह मैदान में किसी भी तरफ शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में वह हर शॉट पर गेंदबाज को आश्चर्यचकित करने पर सफल रहते हैं। हांगकांग के हारूद अरशद ने ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंकी और सूर्य कुमार ने उस पर छक्का लगा दिया। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि आमतौर पर मुझे 25 से 30 गेंद खेलने को मिलती हैं, इसीलिए मैंने अपने खेल को इस तरह विकसित कर लिया है कि इतनी अवधि में धाक जमाई जाए। पर यह भी उतना ही सही है कि उनके मुंबई की लाल मिट्टी वाले विकेट पर ज्यादातर क्रिकेट खेलने की वजह से उन्हें अपने शॉट खेलने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।